वहीं हापुड़ में दवाई के लिए मात्र 30 रुपए मांगने पर 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। जी हाँ, सिर्फ 30 रुपए के लिए। पीड़ित महिला पिछले 6 दिनों से बीमार थी। महिला ने दवाई लाने के लिए केवल 30 रुपए मांगे, लेकिन पति ने तलाक 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 3 बार तलाक कहकर उसे घर से भगा दिया, जिसके बाद पीड़िता रोती हुई अपने मायके आ गई। 3 तलाक की सूचना मिलते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता की ओर से कोतवाली थाने में शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। घर रुक रही थी जी, बेना कहे हमसे चली गई कि अपना घर बना लूं मैं जी। हम बोले चली जा, अपना घर बनाना है तो जी। मैं 1-1.5 महीने रही, 2 महीने तो रोज लड़ाइयाँ रही उसके साथ। अच्छा। अब आन के परसों बीमार हो गई जी, तो 30 रुपए या 50 रुपए कितने भी मांगे हो कि दवाई के लिए पैसे दे दो कि मेरे पास नहीं है, अपने माँ बापों से लिया। अच्छा। वो बोली मैं माँ बापों से कब तक लाती रहूंगी, आप ही दे दो। उनके नहीं, मेरे पास नहीं है, और ज्यादा करेगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो 3 बार तलाक तलाक कह के मेरी बेटी को छोड़ दिया, और मार के सास ने सुसर ने चुटिया पकड़ के बाहर निकाल दिया। मेरी बेटी अपनी खाला की मौसी के यहाँ सोई, फिर सुबह पहुंची कि मुझे रख लो, 1 घंटे खड़ी रही वहाँ पे बुरखा पहन के। तो फिर ससुरे ने बाऊ पकड़ के सुसर ने बाहर निकाल दिया। वो बेटी फिर आ गई हमारे घर। अच्छा। हमें सारा अपना हाल बताया जी। तो मैं ये चाहती हूँ मेरी